बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने पैतृक गांव गया जिला के महाकार में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय सह छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाकार गांव में नवनिर्मित अनुसूचित जाति विद्यालय छात्रावास का उद्घाटन किया गया है। इस विद्यालय के बनने से आसपास के गांव में गरीब निर्धन व दलित समाज के बच्चे यहां पढ़ाई कर सकेंगे और अपने जीवन के मुकाम को हासिल कर सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इतने दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय बनना निश्चय ही अपने आप में एक गौरव की बात है। शिक्षा बच्चों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। शिक्षा पाकर ही वे अपने जिले व देश का विकास कर सकते हैं। यही वजह है कि काफी प्रयत्न के बाद क्षेत्र में इस तरह का अनुसूचित जाति विद्यालय बना है। हम इससे जुड़े तमाम लोगों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य खराब होने को लेकर उन्होंने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द स्वास्थ्य को पैच कि वे जल्द स्वस्थ हो। हालांकि तेजस्वी यादव द्वारा लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए रिहाई की मांग पर उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का फैसला है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक मानवता के नाते हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लालू यादव को जल्द स्वस्थ करें। कि आज बहत्तरवां गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने गांव में जो नव सृजित प्लस टू अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय बना है उसका कार्यारंभ हो रहा है। और चूंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी और ड्राफ्ट करने वाले मेन हमारे जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, यानी उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग संविधान का निर्माता ही कहते हैं, आज उनकी मूर्ति का भी अनावरण करने के लिए ये दोनों काम एक साथ हो आज यहाँ पर सब लोगों को आमंत्रित किया था और आपको भी इसमें आमंत्रित किया था। सब लोग आए, आप लोग आए, इसलिए आपको ये दोनों अवसर पर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।